एक अनपढ़ इंसान भैया मेला देखने गए और परीक्षित महाराज जब वो मेला देखने गए तो 2 रुपया लेके गए। अब एक दुकानदार बड़े बड़े अच्छे दर्पण बड़े बड़े अच्छे दर्पण बेच रहा था, बड़े बड़े अच्छे शीशे, शीशा उठाया और देखा, थोड़े मुस्कराए तो शीशा भी मुस्करा रहा है। आहा भाई साहब हो तो, शीशा ने भी कह दिया हाँ भाई साहब हो तो, हमारे साथ चलोगे? तो अंदर से भी वही प्रतिमा कहती है कि हमारे साथ चलोगे? 2 रुपए लेके आए, वो 2 रुपए का उन्होंने दर्पण खरीदा। कृषक एक शीशा लेकर आया, अब 2 रुपए का वो शीशा लेके आए और जहां बैठक थी ना वहां बैठक पर उन्होंने उसे टांग दिया। सुबह उठते हैं, राम राम, तो शीशा कहता राम राम भैया राम राम, और ठीक हो? हाँ ठीक है। बड़ा प्रसन्न है। अब पत्नी सोचने लगी, सुबह ही सुबह उठते हैं, रोजाना अब बैठक पर नहीं जाते थे और अब तो ये सुबह ही सुबह उठते हैं और सुबह ही ना जाने किससे बातें करती है बैठक में। पत्नी ने सोचा आज हम इसे जरूर देखेंगे। सुबह हुआ, चलो भाई साहब से मिले आए। अच्छा भाई साहब ठीक हो? तो अंदर से भी आवाज आती है भाई साहब ठीक हो, मुस्कराते हैं तो शीशा में अंदर प्रतिमा भी मुस्कराती है। पत्नी गई महाराज और पत्नी ने जैसे दर्पण में देखा, ओहो कारण ये है, इसका मतलब तू हमारे घर आ गई। तो शीशा भी अंदर से यही प्रतिमा कहता है कि तू हमारे घर आ गई। और आग बबूली हो गई, कृषक एक शीशा लेकर आया, दौड़ी दौड़ी पत्नी गई, समझ गई मेरी घर में सौथन लाया, कृषक एक शीशा लेके आया। आग बबूली हो गई, घर जाके सास से कहने लगी, अरे पागल हो गई हो, देखो तुम्हारा लाडला क्या करके आया है, आज उसने मेरी सौतन को लाके कमरे में बिठा दिया। बूढ़ी अम्मा चली, मैं देखूं कैसी है। महाराज उस बूढ़ी अम्मा ने भी जाके कहा ठीक हो, तो शीशा में से आता हाँ ठीक हो। बूढ़ी अम्मा बोलो सौतन नहीं अम्मा है, बूढ़ी अम्मा है, सौतन नहीं, तेरी सौतन नहीं, बूढ़ी अम्मा है, मेरे मेल की है, मेरे मेल की। बुढ़िया ने बुढ़े से कहा, एक बूढ़ी माँ आ गई है, बैठक पर रहती है, लल्ला लेके आया है। बुढ़े बोले चलो हम देखते हैं। बुढ़े ने देखा, राम राम साहब, बोलो राम राम, राम राम, बोले बुढ़िया नहीं है हमारे भाई साहब हैं, बूढ़े भाई साहब सेवा के लिए लाया होगा। तब तक उसने खाना खाया, सोचने लगा खेत में से आया, चलो भाई साहब की खबर ही ले ले। और जैसे किसान अंदर घुसा भाई साहब की खबर लेने, तो वे आपस में तीनों खेचा खांची कर रहे थे, कहने लगा रे ये भाई साहब तो मैं मेला से लेके आया था। तो बुड्ढे कहते नहीं नहीं भैया हमारी उम्र के हैं। और पत्नी कहती है नहीं नहीं ये मेरी सौत है। माँ कहती है अरे नहीं नहीं ये मेरे समान बुढ़िया है। अरे आपस में झगड़ बैठे और एकदम शीशा नीचे छूट गया और टूट गया और संपूर्ण परिवार भी रूट गया। इसी तरह से ये संसार एक दर्पण के शीशे के समान है, जरा सा हाथ से छूटा और शीशा फूटा और एक दूसरे का रिश्ता नाता सब कुछ खत्म। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, आ जाओ। तो ये संसार ही शीशे के समान है, जब तक आंखें खुल रही हैं तब तक देख रहे हैं
और आंखें बंद हुई शीशे के समान खेल,